जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। एक नई मशीन की इंस्टॉलेशन स्टोरी के साथ नियाज मंजूर फ्राम सैनफिंग लिमिंग लेदर। जैसा कि आपको स्टेबलाइजर नज़र आ रहा है जो कि 50 केवीए का 3 फेज, और यहाँ पे मशीन नज़र आ रही है, ऊपर मैक्स लेदर सोर्स है, और मशीन की अभी बाकी सारी एसेसरीज एज इट इज़ रखी हुई हैं, कोई भी चीज़ असम्बल नहीं है। जैसे चिलर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पैक्ड है, और इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी पड़े हुए। मशीन की डायरेक्शन थोड़ी उलट थी जब मैं सुबह साइट पे आया हूँ तो पता चला, उसके बाद दोबारा से लेबर वालों को बुलाया गया, साइट चेंज की है। बाकी मशीन की इंस्टॉलेशन के बाद अभी हम लोग मैक्स लेदर सोर्स ओपन कर रहे हैं। ये 3 किलोवाट का मैक्स लेदर सोर्स है, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं बेहतरीन अंदाज में पैकिंग है इसकी। उसामा भाई और मैं जो है ना दोनों मिल के, थोड़ा वेट ज़्यादा है इसका रेकस की नस्बत। इसके बाद बाकी इंस्टॉलेशन है इसकी, पाइप फिटिंग और इंटरफेस की कनेक्शन वगैरह कर करा के इंशाल्लाह हम लोग इसको चलाएंगे। बाकी आप वीडियो में देख ही रहे हैं। लेदर सोर्स की इंस्टॉलेशन के बाद अभी पहली बार लेदर सोर्स लेदर मशीन का सॉफ्टवेयर ऑन कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि सैनफिंग लिमिंग लेदर एक डेस्कटॉप पे भी लिखा हुआ है। स्टेबलाइजर भी नज़र आ रहा है, और ये इनपुट और आउटपुट वोल्टेज भी देख रहे हैं, 50 केवीए का स्टेबलाइजर है। इसके बाद हम मशीन को इंशाल्लाह इनिशियलाइज़ करेंगे, वन बाय वन सारी एक्सिस की मूवमेंट करवाएंगे और सारे कवर देंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग सैंपलिंग टेस्ट कर रहे थे, उसके बाद 6 mm पे जो सबसे फाइनल सैंपल बना है वो आपके सामने ये कट हो रहा है। ये जैसे ही कंप्लीट होता है इसकी आपको आउटपुट दिखाते हैं। राहुल भाई और बाकी जो भाई हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि कटिंग रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं कि बहुत ही आउट क्लास है। इसको हमने कुछ भी पॉले किए, बाद में क्लीनिंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एज इट इज सैंपल कार्ड के जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट कर दी। फ्रंट साइड और बैक साइड आप दोनों देख सकते हैं। इसके बाद जो सामा भाई का ऑपरेटर है वो खुद टेस्टिंग कर रहा है स्टील कटिंग और उसके ऊपर कैलीग्राफी की। यहाँ पे एक दो जॉब्स काटी थी इन्होंने। ये जी मशीन की कंप्लीट साइट आपको दिखा रहे हैं एक बार। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मशीन प्रोडक्शन में आ चुकी है टेस्टिंग वगैरह। यहाँ पे सिलेंडर प्लेस किए गए हैं, और बैक साइड पे एग्जॉस्ट फैन की फिटिंग है, और चिलर भी यहीं पे रखा हुआ है, और सामने आपको उस तरफ जो है ना स्टेबलाइजर और डीबी नज़र आती है, जो कि इनकी मेन इस बिल्डिंग के कनेक्शन है। फिर दोनों सराउंडिंग एरिया भी आप देख सकते हैं, कितना एक एरिया छोड़ा गया है। ये जॉब है जो ये काट रहे हैं अभी, ये कुछ कटिंग पड़ी भी हुई है। उसके बाद जो हमने रिजल्ट्स यहाँ पे फाइनलाइज़ किए हैं, जो कुछ कटिंग की टेस्टिंग के बाद फाइनलाइज़ हुई हैं चीज़ें, वो भी ये टेबल पे हमने रखे हुए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह है, और उसके बाद ये 6 mm के सैंपल्स हैं, और कुछ दूसरी तरफ टेबल के ऊपर रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मशीन की इंस्टॉलेशन कम्प्लीटेड है, और जो भी रिज़ल्ट फ़ाइनल होने थे वो हो चुके हैं। इसके बाद उसामा भाई खुद जो है ना इनकी टेस्टिंग करेंगे और इस मशीन को मज़ीद चलाएँगे इंशाल्लाह। अभी आप ये मशीन का कटिंग हेड यहाँ पे देख सकते हैं, ये नए मॉडल का जो लेटेस्ट मॉडल आए हमारे वो वाला कटिंग हेड है, क्योंकि मशीन की ये जो फ्रंट लुक है ये इस बार पहली दफ़ा आई है। और यहाँ पे ये कटिंग खुद करके टेस्टिंग कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील है। मेरा नाम उसामा है, और हमने ये सैंपलिंग की मशीन पाकिस्तानी ब्रांच से परचेज़ की है, और इनकी सर्विस माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये यूसुफ भाई हैं जिन्होंने ये मशीन इंस्टॉल की है, हम इनकी सर्विस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी इनके साथ काम जारी रखेंगे।